नमस्कार, मैं आयुषी और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। बिहार के खगड़िया जिले से खबर आ रही है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने जब वाहन चेकिंग लगाया, उस दौरान उन्हें गुप्त सूचना ये मिली कि कुछ अपराधी खगड़िया से अलौली आ रहे हैं और उनके पास शायद कुछ हथियार हो सकते हैं जो कि किसी वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं वो लोग। तो उन्हें गुप्त सूचना मिलने पर उन्होंने वाहन चेकिंग लगाया और उसी दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें क्या कुछ मिला है। आइए आपको बताते हैं खबर। खगड़िया अलौली थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर अलौली पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि किसी घटना को अंजाम देने के लिए खगड़िया से अलौली आया हुआ है। वाहन चेकिंग के दौरान तलाशी लेने पर 3 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं अलौली के थाना प्रभारी, आइए आपको सुनाते हैं। गुप्त सूचना मिला कि खगड़िया की ओर से कुछ अपराधी अलौली की तरफ आ रहे हैं, कोई घटना को अंजाम दे सकता है, संदिग्ध प्रतीत होता है। इस सूचना का सत्यापन एवं आज कार्रवाई हेतु वरिष्ठ पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना से संध्या गस्ती को बुलाकर साथ में PSI मनीष कुमार, प्रेम प्रकाश को लेकर के हम लोग अलौली चौक स्थित शिव मंदिर चौक के पास वाहन चेकिंग लगाए। खगड़िया की ओर से आ रहे 2 बाइक को हम लोग रोकने का प्रयास किया। बाइक चालक बाइक को घुमाकर भागना चाहा। सशस्त्र बल के सहयोग से दौड़कर बाइक पर सवार व्यक्ति को पकड़ा गया। बाइक पर सवार व्यक्ति से नाम पता पूछने पर संदिग्ध प्रतीत पाया। इसकी तलाशी लेने पर इसके पास से 3 देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। विधिवत जब्ती बनाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है। जय हिंद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा थाना प्रभारी ने। उनका कहना है कि इसका पूरा इतिहास खंगाला जाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे द एचडी न्यूज़।